हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं पूनम राजपूत और आप देख रहे हैं बोली रिएक्ट्स। आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं एक चैनल की वीडियो के ऊपर जो है बीबी की वाइंस, उनके चैनल की वीडियो का हम रिएक्शन करेंगे जो अभी आई है, जो है खुश खबरी, उसका हम रिएक्शन करेंगे। देखेंगे वो वीडियो कैसी है। और उससे पहले आपको बता दूं, मैंने अभी तक इनकी किसी भी वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं किया है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन की, तो देखेंगे इनकी वीडियो कैसी है। ये उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं ये वीडियो कैसी है। स्टोन पेपर सीजर। मामा हर बार कैसे जी जाते हो? अरे बेटा, मैं सामने वाले की चाल पहले से भाप लेता हूँ। वो क्या करने वाला है मुझे पहले से पता होता है। क्या पता होता है? कैसे सीखा? अनुभव, धैर्य और निष्ठा से। ये तीनों कहाँ पढ़ाते हैं? ये मेरी मौसी के बच्चे नहीं है, कहाँ पढ़ाते हैं। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, धैर्य मतलब पेशेंस और निष्ठा मतलब फेथ एंड डिवोशन। मुझ में तीनों है। कैसे? लड़कियों से रिजेक्शन मिलने का अनुभव है, बार बार रिजेक्शन फेस करने का धैर्य भी है, लेकिन फिर भी डटे रहने की निष्ठा है। अबे तेरी सुई घूम फिर के लड़कियों पे क्यों आती है? अबे लड़कियां हैं तो जिंदगी है। हाँ, ऑक्सीजन तो चूतियों को चाहिए होती है। भुवन बेटा आजा आजा, मैं मम्मी को जरा डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ? उल्टी हो रही है। अरे माता थर गई होगी, मैं सीधा कर देता हूँ। अरे उल्टी मतलब उल्टी नहीं, वाली उल्टी। मम्मी क्या हुआ? अरे कुछ फालतू खा लिया क्या तुमने? अपने हाथ की सब्जी खाई थी क्या? मम्मी एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, चक्कर आ रहे हैं। एक्सक्रीशन की वजह से होगा। एक्सर्शन होता है, एक्सक्रीशन मतलब भागना। हाँ हाँ, वो भी गड़बड़ है, बताओ कैसी हो रही है? मैंने पलट के नहीं देखा। चलो अस्पताल। मैं ठीक हो जाऊंगी पैरासीटामोल खा के। हर बीमारी का इलाज पैरासीटामोल नहीं होता मम्मी, और नहीं तो क्या, क्रोसिन ले लो। ए, मुन्ना भाई, ये अपनी डॉक्टर अपने पास रखो। दीदी अस्पताल चलो। मुझे नहीं जाना, वो डॉक्टर फालतू के पैसे ले लेगा। दीदी मैं जहाँ ले जाऊंगा वहाँ कोई पैसे नहीं लेगा। मुझे भी अपनी गर्दन दिखानी है। पेट क्लिनिक नहीं जा रहे, मैं सोने जा रही हूँ। आराम से आराम से। अंकल आप और आंटी शिमला से कब आए? अभी पिछले हफ्ते ही आए। भाई बूमरैंग है क्या लोडू? सीधा सीधा बोलना। मुझे लगता है आप फिर से मामा बनने वाले हो। क्या समझ के बोल, तेरा दिमाग तो ठीक है? मुझे लगता है, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा खाया नहीं, फिर भी पेट दर्द, चक्कर आना, और ऊपर से शिमला गए थे। बेटा छुचुंदर की बात में दम तो है, शिमला के हर रोड पे लाना रोड्स के ही ख्याल आते हैं। मामा इस एज में? बेटा इसी उम्र में तो सुलवा दिया। हेलो। अरे वाह, गरबा की तैयारी चल रही है। डांडिया कहाँ है तुम्हारे पास? क्या, कैसा रहा शिमला? अच्छा था, बारिश हो रही थी बहुत। घूमने गए थे? कमरे में ही थे। बारिश थी तो कमरे में ही थे। क्या किया? कुछ नहीं, बस पकोड़े खाए। आदमी बारिश में कब तक पकोड़े खाएगा? मतलब आपने वहाँ पे सैर करी? थोड़ी बहुत। और चौदोपट्टी? क्या बोला? वहाँ ऐसा क्या हुआ जो दीदी को उल्टियाँ हो रही हैं? यार मौसम ही ऐसा था और वो पहाड़ी रास्ता भी है तो। एक सेकेंड, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहन तुम्हें भी? अरे पागल, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चिल्लाओ मत, चिल्लाते वही जिनके मन में चोर होता है। छी, कभी नहीं सोचा था इस घर में ऐसा डिस्कशन होगा। तो मत करो ना। ठीक है फिर अस्पताल लेके चलते हैं, चलो। अरे क्या जरूरत है जाने की? मतलब दवाई से भी तो ठीक हो सकती है। चोर की दाढ़ी में तिनका पेट फुला दिया मेरी बहन का। अरे गुणवती है तुम्हारी बहन, तुम्हारी वजह से गर्भवती हो गई है। बेटा हम हिल स्टेशन गए थे, वहीं तो हिलते हैं लोग। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि मेरा छोटा भाई नहीं आने वाला? क्योंकि नहीं आएगा। अरे यार इस उम्र में वो सब शोभा देता है क्या? आनंद तो देता है। अभी देखी थी बधाई हो। I can't believe real life हो रहा है। तू मेरे से चाटा खा लेगा। सिलेंडर तुमसे उठता नहीं, स्टैमिना का बहाना देते हैं। यार तुम क्या बच्चों के सामने ये सब बातें कर रहे हो? मेरे जोड़ों में दर्द है। लोड़ों में होना चाहिए था। अरे सुनो, आ रहा हूँ। क्या तुम भी? मामा बेटा सच कह रहा, तेरा बाप कुछ नहीं हुआ। आपको कैसे पता? मैं मन पढ़ लेता हूँ। क्या बोला था मैंने? अनुभव, निष्ठा और धैर्य। तेरा बाप सच कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया होगा। तुझे बड़ा पता है? आई यूज इट प्लेन डॉटेड। कितने डॉट? जिसमें सबसे ज्यादा डॉट्स होते हैं। भुट्टा लगाता है क्या? सबसे ज्यादा डॉट। और मैं अपनी दीदी को जानता हूँ, कुछ नहीं है। तेरा बाप ही गड़बड़ है। पापा भोले हैं। बेटा इतिहास गवाह है, भोले लोगों ने सबसे ज्यादा नाड़े खोले हैं। मम्मी चिल्ला रही है। अंकल को बोल धीरे करे। अबे चूती है, हटना। चलो स्टोन पेपर से खेलते। स्टोन पेपर उंगल।
काफी अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छी मतलब कॉमेडी इन्होंने की, बहुत जबरदस्त कॉमेडी की है। और कैसे इन्होंने मतलब स्टार्टिंग का जो सीन था मुझे वो बहुत अच्छा लगा, स्टोन पेपर सीजर बच्चों वाला, वो कैसे खेल उसके बाद वो कह रहे हैं कि कहाँ वो था कि ये कहाँ से सीखा, तो वो कह रहे हैं अनुभव वो धैर्य और इससे, तो वो कह रहे हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं तो वो वाला सीन मुझे सबसे जबरदस्त लगा इसमें, बहुत फनी था सच में, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी मम्मी की थी, वो कैसा कपड़े बांध के ना, और मम्मी कैसे बात कर रही है, नहीं मैं पैरासीटामोल खा लूंगी वगैरह हमेशा पैरासीटामोल नहीं चलती, वो वाला डायलॉग अच्छा लगा, क्रोसिन खा लो तो मतलब कॉमेडी बहुत अच्छी की है और बहुत मस्त सच में, मतलब इतनी अच्छी कॉमेडी करते, मतलब एक ही मतलब हर रोल में एकदम फिट, एकदम अच्छे से वो कर रहे हैं। और मुंह जो बनाते हैं ना फेस को जिस टाइप से, मतलब हर रोल में एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं, मामा के रोल में, बच्चे के रोल में, वो रोल में, पापा के, मम्मी के, मतलब सबका रोल बहुत अच्छे से। और कुल मिला के बहुत अच्छी वीडियो थी सच में, बहुत हंसी आई और सारा चीज़ें बहुत अच्छी थी। जो मैं उसकी बात करूं क्या नाम, जो उनका तरीका है ना वो अपने आप में हंसी दिलाता है, उनके जो बोलने का तरीका है ना, मामा के बोलने का तरीका ले लो बच्चों के, और जो जैसे वो स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं वो देखो, मतलब बच्चे बनके कितने मस्त तरीके से। तो कुल मिला के पूरी वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हंसी आई मुझे, बहुत अच्छी लगी। अब मुझे तो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी रिएक्शन वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर लेना। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।